हाय गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका रियल क्रिकेट 24 मल्टीप्लेयर रैंक में। अभी एक ग्लिच हो रहा है, आपको पता ही है गाइस, कल हमने वीडियो पब्लिश किया था कि जो वाइड और नो बॉल ओपोनेंट डालता है उससे कैसे बचा जाए। तो इस पर यहां पे हम बताएंगे कि कैसे बचा जाए। देखिए गाइस, जो रनर अप है, जो बॉलिंग का रनिंग अप है वो कम होना चाहिए बॉलर का। दूसरा कि स्पिनर के साथ आप करोगे तो फटाफट जाके आपको पिचिंग और जो वेरिएशन है उसको जल्दी सिलेक्ट करना होगा, ताकि ओपोनेंट बाहर जाने के बाद भी आउट हो सकते। जी हाँ गाइस, बोल्ड हो गए हैं पहली गेंद पे और अब यॉर्कर डाली है और ये ट्राई करेंगे वापस। विक्रांत भाव है हमारे सामने, एक बार फिर से बोल्ड होने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे बच गए, लेकिन वाइड नहीं दी गई। जी हाँ गाइस, आपको थोड़ा सा स्पीड से ये जो बॉलिंग का पिचिंग है और ये जो आप वेरिएशन है सिलेक्ट करना है, उसको जल्दी से सिलेक्ट करोगे और रनिंग अप बॉलर का कम होगा, स्पिनर का स्पेशली कम ही होता है गाइस रनिंग अप। और पेसर का भी कुछ, पेसर ऐसे है कि उनका भी रनिंग अप है, जो वो जो पिच के ऊपर दौड़ते हैं उसका रनिंग अप कम होता है। तो जल्दी से जल्दी आप बॉल कर सकते हो और ओपोनेंट देखिए गाइस बाहर की तरफ गया, लेकिन बॉल हो सकता है। जी हाँ, ये देखिए लीगल डिलीवरी, यहाँ पे नो बॉल नहीं दिया। ये ग्लिच देखा था आप लोगों ने, कल ही वीडियो पब्लिश किया था वहाँ पे कि बाहर जाता है ओपोनेंट तो क्रीज के बाहर छोड़ के जाएगा तो वाइड या नो बॉल दिया जाएगा, लेकिन जल्दी से आप पिचिंग और ये वेरिएशन सिलेक्ट करना है वो जल्दी से करोगे तो ओपोनेंट इतना आसान नहीं रहेगा ओपोनेंट के लिए। चार स्पिनर या तो तीन स्पिनर से आप करोगे तो डेफिनेटली ये ट्रिक यूज नहीं कर पाएगा ओपोनेंट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।